ये आप देख रहे हैं पहाड़ों पे माता का भवन और रास्ता एकदम फ्रेश है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया है सच में। अच्छा दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन अनदर ट्रेन जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच द बैकग्राउंड ऑफ द रेलवे स्टेशन। स्टेशन का बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। आज मैं हूँ श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन, उसके पीछे का बैकग्राउंड है। और आज की हमारी यात्रा श्री माता वैष्णो देवी से रहने वाली है। ट्रेन नंबर 19804 श्री माता वैष्णो देवी कोटा वीकली स्पेशल ट्रेन जर्नी में। जी हाँ, ये ट्रेन वीक में सिर्फ एक दिन चलती है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से, जो कि सिर्फ संडे को चलती है। रात को निकलती है 10:25 पर, अगले दिन डे टू पहुंचती है रात में 9 बजे कोटा। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1136 किलोमीटर और लेती है 21 घंटे। आज इस ट्रेन में हमारी यात्रा रहने वाली है। वैसे तो ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चल रही है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका सेम रैक दूसरे नंबर से फर्स्ट जगह जाता है। ट्रेन नंबर 20984 के साथ सेम ट्रेन, सेम डेस्टिनेशन रहती है, सेम रूट रहता है, लेकिन इसका ट्रेन नंबर चेंज होता है। ये ट्रेन जाती है थर्सडे को, तो आप कह सकते हो कि ये ट्रेन हफ्ते में दो दिन चलती है। वैसे अगर मैं बात करूँ 19804 की, तो ये सिर्फ संडे को चलती है, 20984 सिर्फ थर्सडे को चलती है। बाकी आप समझ सकते हैं। और अगर आपको थर्सडे को जर्नी प्लान करनी है, तो आप ट्रेन नंबर 20984 को ऑफ करके टिकट बुक कर सकते हैं। फिलहाल पीछे का व्यू इन्जॉय कीजिए एक बार। जी हाँ, ये जो पीछे का आप माउंटेन देख रहे हैं, ये भवन की रास्ता है, और अभी मैं दर्शन करके आया हूँ। और आज मेरी जर्नी है नई दिल्ली तक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर नई दिल्ली तक मेरी जर्नी रहने वाली है। यहाँ से ट्रेन निकलेगी 10:25 पर, दिल्ली पहुँचेंगे दोपहर 2 बजे। पूरी ओवरनाइट जर्नी है, फिर उसके बाद में सुबह की जर्नी है। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, आप अपना फूड और पानी की बॉटल जो भी है, वैसे तो रेलवे स्टेशन पड़ते हैं रास्ते में बड़े बड़े, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना फूड वगैरह लेके साथ में ट्रैवल करिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ट्रेन जम्मू तभी कठुआ जलंधर कैंट पठानकोट और उसके साथ साथ लुधियाना होते हुए पहुंचती है नई दिल्ली। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहने वाली है, पहली बार मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूं, देखूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। जरूर इस जर्नी को देखिएगा, पूरी जर्नी को एंजॉय कीजिएगा। और सबसे पहले अपनी वीडियो रेजोल्यूशन को हाई क्वालिटी पर लगाइएगा, अच्छी पिक्चर क्वालिटी इन्जॉय करने के लिए। और कहीं बैठ के कोने में इस जर्नी को जरूर इन्जॉय कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट द माई बैकग्राउंड, हैव आ लुक एट दिस। जी हाँ, यही बैकग्राउंड है, बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड है। रेलवे स्टेशन पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, और पीछे का आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे माता वैष्णो देवी कटरा में। यहाँ काफ़ी ठंड बढ़ गई है, और नाइट में यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो कभी भी अगर आप नवंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर में आ रहे हैं, तो आप अपनी वार्म क्लोथ के साथ, गर्म कपड़ों के साथ जरूर आइए, अपनी तैयारी पूरी करके आइए। और मैं अगर आपको रात इस तरीके का माहौल है कटरा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर, तो अब केवल 1 घंटा बाकी है हमारी ट्रेन में। थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, डिनर वगैरह कर लेते हैं, और फिर पहुंचते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अभी हम बैठे हैं वेटिंग एरिया में। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हमें बाया ब्रिज नीचे जाना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलें फिर, ओके, तो चलते हैं डिनर करने के लिए, थोड़ा खाना वाना खा लें और फिर मिलते हैं आपसे। हालांकि IRCTC का यहाँ पर रेस्टोरेंट है एक पीछे जस्ट मेरे, लेकिन वहाँ का जो खाना होता है और उसका जो प्राइस होता है, ना तो क्वालिटी अच्छी होती है ना प्राइस कम होता है, बहुत हाई प्राइस यहाँ पर है खाने का। अभी मैंने ऊपर गया था चेक करने के लिए फूड का, 75 रुपीज़ का एक समोसा था उस मेन्यू कार्ड में। अब बताइए उस समोसों में ऐसा क्या होगा जो ये 75 रुपीज़ के दे रहे हैं। गवर्नमेंट भी उनको कुछ नहीं कह रही है, प्रॉब्लम ये है। और खैर, खाने की तो बात ही मत करो आप, कोई भी आइटम 200 रुपये से कम का नहीं था। फिलहाल मैं बाहर जाके खाना खाऊंगा और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके, तो भाई दोस्तों डिनर हो चुका है, अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और देखो सभी मुसाफिर राहगीर आराम कर रहे हैं।
आराम फरमा रहे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 की पर हमारी गाड़ी लगेगी। अनाउंसमेंट हुआ है अभी, देखते हैं चल के। और ये देखिए कटरा रेलवे स्टेशन का व्यू और सामने से रास्ता का, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सीधे सामने ब्रिज गया, वहाँ से नीचे आप आ सकते हैं। और इस तरीके का है कटरा रेलवे स्टेशन। चलिए दोस्तों, आपको इसका लोकोमोटिव दिखा देते हैं एक बार। है तो बहुत आगे, बट देखते हैं वो WAP 5 है या WAP 7 या फिर WAP 4। तो दोस्तों ये है आज का हमारा लोकोमोटिव, ये है WAP 7। सकरनी के इस पर एडवर्टीजमेंट है फिलहाल, यही आज हमें लीड करेगा। बहुत आगे आना पड़ा। दस बज चुका है, तो दोस्तों 10 बज चुके हैं। हमारा जो डिपार्चर टाइम है वो 10:25 है, केवल 25 मिनट बचे हैं डिपार्चर में। फिर मिलते हैं आपसे। और हमारी गाड़ी को लगाया गया प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। टाइम चेक करिए, एग्जैक्टली ऑन टाइम, मेरी गाड़ी 2 मिनट तेज है। एग्जैक्टली ऑन टाइम वी आर डिपार्टिंग नाउ फ्रॉम श्री माता वैष्णो देवी कटरा। जय माता दी। तो हम निकल चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। वैसे तो ये सफ़र कटरा से लेके जम्मू तक बहुत ही खूबसूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी बाहर रात है तो कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, अगर ये सफ़र दिन में होता बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता, क्या करें सफ़र रात का है। तो बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ के नज़ारे हमें देखने को मिलते, बट अभी तो देखने को मिलेंगे नहीं। फिर मैं आपको भवन जरूर दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं पहाड़ों पे माता का भवन और रास्ता। यहाँ से भवन तो दिखता नहीं है, लेकिन ये वो रास्ता है जहाँ से श्रद्धालु जाते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है रात में। चलिए अब आपसे मिलते हैं सीधे उधमपुर रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद जम्मू पर, और फिर अपनी सो जाऊंगा मैं। और फिर सुबह जहां भी आग खुलेगी वहां आपसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि रात में यहां ठंड बहुत हो जाती है। ठंड में बाहर गेट पर रहना इम्पॉसिबल है, और वाकई में अभी इसमें बहुत तेज़ ठंड है। तो उधमपुर और जम्मू तवी, उधमपुर का नाम चेंज करके माटा एयर कैप्टन शहीद तुषार महाजन, शहीद कप्तान तुषार महाजन कर दिया गया है अब। तो वहाँ पर मिलते हैं आपसे। माटा एयर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन यानी कि उधमपुर। तो दोस्तों इस रेलवे स्टेशन पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स को ऐड किया जा रहा है, टीन सेट को लगाया जा रहा है, और काफ़ी ऐसी ट्रेनें हैं जो SBTK से ना चलकर यानी कि श्री माता वैष्णो देवी से ना चलकर यहाँ से चलती हैं, जो नई दिल्ली
तक जाती हैं, और उसके अलावा और उसके आगे फर्दर भी जाती हैं। यहाँ पर हमारा हॉल्ट 2 मिनट का है और यहाँ हम पहुँचे हैं 10 मिनट की डिले के साथ, क्योंकि वंदे भारत को क्रॉसिंग कराना था तो ट्रेन काफ़ी देर पीछे खड़ी रही थी। We are departing now from Martyr Captain Tushar Mahajan Railway Station. तो आने वाले टाइम में ये स्टेशन काफ़ी बड़ा होगा, और अब हमारा हॉल्ट सीधे जम्मू तवी पे है, जो कि रात के करीब 12 सवा 12 बजे आएगा। अगर मैं जगता रहा तो आपको दिखाऊंगा, अन्यथा आप सीधे सुबह आपसे मुलाकात होगी। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो मैं इस समय हूँ, हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है इस समय धूरी जंक्शन पे, समय से लगभग 10 मिनट पहले, 15 मिनट यहाँ पे हमारी SBD के कोटा एक्सप्रेस का स्टॉपेज है, हॉल्ट है। और अगर मैं बात करूं धुरी जंक्शन की, तो यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है, 70 ट्रेन के आसपास यहाँ पर रोज डेली हॉल्ट होती हैं, 3 यहाँ से ट्रेन टर्मिनेट और 3 ओरिजिनेट होती हैं। अगर मैं बात करूं धुरी जंक्शन की, तो यहाँ से एक ट्रैक चला गया लुधियाने के लिए और भटिंडा के लिए, और एक ट्रैक चला गया है रजपुरा के लिए, तो इसलिए ये जंक्शन बन जाता है। और सबसे रात में ट्रेन काफ़ी अच्छी चली, और उधमपुर के बाद मैं सो गया था, काफ़ी लेट पहुंची थी ट्रेन जम्मू, तो वैसे ही थका हुआ था, चढ़ाई की थी तो नींद आ गई थी। दोस्तों अगर मैं बात करूं धुरी जंक्शन की, तो ये अंबाला डिवीजन में आता है, पंजाब स्टेट के अंदर रेलवे स्टेशन आता है। अंबाला डिवीजन काफी लंबा है, फिलहाल हमारा हॉन्क हो गया, चलते हैं। दोस्तों इस ट्रेन में पेंट्री कार तो नहीं है, लेकिन साइड पेंट्री है, तो वहां से मैंने अभी चाय ली और चाय एंजॉय करते हुए। मैं चाय पी ली अपने, लेकिन एक बात तो है, इस ट्रेन की चाय बढ़िया है वाकई में, मतलब वो पानी वाली नहीं है, बहुत अच्छी पत्ती है, बहुत अच्छा दूध है, चाय पी सकते हो।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के झाकल जंक्शन पर। यहाँ पहुंचने का जो हमारा टाइम था ना वो था सुबह के 9:25 पर, और पहुंचे हैं एग्जैक्टली 9 बजे, यानी कि आधा घंटा ऑलमोस्ट बिफोर पहुंचे हैं। समझ सकते हैं इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी, मतलब इतना स्लैक क्यों दिया गया है इस ट्रेन को, या तो इतना स्लैक दिया गया है या फिर इस ट्रेन ने कमाल कर रखा है। मेरे ख्याल से इस ट्रेन ने ज़्यादा कमाल कर रखा है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त स्पीड से चल रही है गाड़ी, और इस स्टेशन पर खाने पीने की बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है। आलू के पराठे भी मिल रहे हैं इस स्टेशन पर, छोले भटूरे भी मिल रहे हैं। बात करूँ इस स्टेशन की तो इसका स्टेशन कोड है JHL। यहाँ पर ओवरऑल 3 प्लेटफॉर्म है, लेकिन स्टेशन काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर 64 ट्रेन डेली होल्ड करती हैं, और 2 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। और ब्रेकफास्ट अगर आपको करना हो और इस रूट पर आए, सिर्फ इस स्टेशन पर कीजिएगा। बहुत फ्रेश आलू के पराठे और छोले भटूरे यहाँ पे मिल रहे हैं नाश्ते के लिए। यहाँ पे वैसे साइड पेंट्री है, इस ट्रेन के अंदर साइड पेंट्री है। आप आलू का पराठा 30 रुपये का एक मिल रहा है, 60 के 2 मिल रहे हैं इस ट्रेन के अंदर, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी वेज कटलेट वगैरह भी मिल रहे हैं, तो कोशिश करता हूँ यहाँ पे कुछ लेने की और आपको टेस्ट बताऊँगा यहाँ का कैसा टेस्ट है। छोले भटूरे आलू पराठा कुछ लेता हूँ यहाँ से। कितने का छोला भटूरा? छोले भटूरे की प्लेट 30 रुपए की मिली, इसमें 2 भटूरे हैं और छोले आलू की सब्जी है। तो इसका टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ, साथ में अचार हरी मिर्च भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको नाश्ता करना है ना, इस ट्रेन में ट्रेवल करना है, तो सबसे पहले आप झाकल स्टेशन का इंतजार कीजिए, और झाकल जंक्शन का नाश्ता बहुत अच्छा है, मतलब गर्म गर्म एकदम फ्रेश है। आलू पराठे भी ऑप्शन थे, वो भी 30 के 2 हैं, तो ट्राई करते हैं। एकदम फ्रेश है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया है सच में, और 30 रुपए का नाश्ता, इससे सस्ता नाश्ता क्या ही मिलेगा। इसको मैं खत्म करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। हो चुका है, छोले भटूरे बहुत ही फ्रेश थे, बहुत टेस्टी थे। झाकल पे हम आपको पता है आधा घंटा पहले पहुंचे हैं, काफी देर से ट्रेन खड़ी हुई है, और जिस मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 झाकल मंडी, इसको भी कहा जाता है, और ये जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गाड़ी खड़ी है, 3 यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। इस रूट पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो इस रूट पर खाने पीने की समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। वाकई में बहुत अच्छा सब कुछ मेंटेन, एकदम फ्रेश खाना मिलेगा आपको। यहाँ पर बिफोर अराइवल का पैसेंजर को काफ़ी फ़ायदा मिला, सभी पैसेंजर्स ने भरपूर अच्छा सही तरीके से आराम से नाश्ता कर लिया है। अगला स्टेशन हमारा रहेगा नरवाना जंक्शन। फाइनली आधा घंटा खड़े होने के बाद वी आर डिपार्टिंग नाउ फ्रॉम झाकल जंक्शन। हमारा झाकल जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है आधा घंटा खड़ा होने के बाद। दोस्तों अगर मैं बात करूं झाकल जंक्शन की, तो यहां से एक ट्रक चला गया है लुधियाना के लिए, और दिल्ली फजलिका लाइन को भी ये रेलवे स्टेशन कनेक्ट करता है, इसलिए ये जंक्शन बन गया है। दोस्तों हम पहुंच रहे हैं नरवाना जंक्शन, और ये जो आप ट्रैक पीछे देख रहे हैं, एक ट्रैक जिससे हम आ रहे हैं, एक ट्रैक ये जो गया है ये शायद अम्बाला के लिए गया है, क्योंकि नरवाना जंक्शन दिल्ली अम्बाला और दिल्ली रोहतक लाइन को कनेक्ट करता है, इसीलिए ये जंक्शन बन जाता है। तो हम पहुंच चुके हैं नरवाना जंक्शन, बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचे, सुबह 10 बजे यहाँ पे अराइवल था और उसी टाइम पे पहुंचे हैं। नरवाना पे 4 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 48 ट्रेन डेली होल्ड करती हैं, सिर्फ एक ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। अभी ये स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और प्लेटफॉर्म नंबर 4
सही तरीके से बना नहीं है, बन रहा है। और नरवाना जो स्टेशन है वो हरियाणा स्टेट के अंदर आता है और यहाँ से एक ट्रैक चला गया अम्बाला कैंट के लिए, यानी कि दिल्ली अम्बाला लाइन और दिल्ली हिसार लाइन को ये स्टेशन कनेक्ट करता है। नरवाना जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो रहा है और नरवाना रेलवे स्टेशन पर, और पूरा स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन में, पूरा स्टेशन। पूरा स्टेशन खुदा पड़ा है, काम जारी है। और यहाँ से डिपार्चर के साथ ही कोटा SBD के एक्सप्रेस ट्रेन का फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।